आगरा में कोरोना ने जेल की सलाखों को भी भेदना शुरू कर दिया है। ताज नगरी में दहशत फैलाने के बाद अब केंद्रीय कारागार में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला कारागार में सजा काट रहा कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। दरअसल झांसी का रहने वाला कोरोना संक्रमित कैदी वीरेंद्र कुमार को ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्रेन स्ट्रोक होने पर 3 मई को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बुधवार को आई रिपोर्ट में कैदी को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जेल में बंद कैदी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जेल परिसर को सैनिटाइज कराया गया है। जेल अधीक्षक की माने तो कैदी आजीवन कैद की सजा काट रहा है। एक बंदी वीरेंद्र कुमार नाम का एक बंदी जो कि झांसी से स्थानांतरित होकर के दिसंबर 2019 में यहाँ पर दाखिल किया गया था आजीवन कारावास का बंदी होने के कारण, वो बंदी पिछले जब से इस कारागार में आया है तब से कभी भी वो कारागार से बाहर नहीं गया है। पहली बार ये 3 मई को इसको बंदी को हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत थी, उसके आधार पर चिकित्सा अधिकारी की सलाह के आधार पर उनको वहाँ पे विशेष उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहाँ पर बंदी 3 मई से भर्ती होकर उपचार प्राप्त कर रहा है। कल सायंकाल हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ये बंदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जहाँ तक चूँकि पिछले 1.5 महीने में न बंदी की कोई मुलाकात हुई है, बंदी हॉस्पिटल जाने के पहले कभी भी बाहर गया नहीं, कभी कोई अदालत नहीं गया, और चूँकि बंदियों की मुलाकात पूरी तरह से पिछले 1.5 महीने से प्रतिबंधित है, तो किसी भी बाहरी व्यक्ति से भी इसकी मुलाकात नहीं हुई है, किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्ति से कंटैक्ट में ये नहीं आया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि वो जेल परिसर में ही संक्रमित हो गया हो, क्योंकि जेल के कई कर्मचारी बाहर से आते हैं। जेल अधीक्षक का कहना है कि प्रशासन से इस कैदी की रिसैंपलिंग भी कराए जाने की अपील की गई है। कल ही जब ये जानकारी हमें प्राप्त हुई तो उसके बाद तत्काल हमने सीएमओ जनपद के सीएमओ साहब से बात की और बात करके वस्तु स्थिति से बताई और उनको हिस्ट्री बताई कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की हिस्ट्री नहीं रही है, बंदी कभी बाहर नहीं गया है। तो इस पर उन्होंने भी उनके द्वारा भी ये सलाह दिया गया कि इसकी एक रिसैंपलिंग करा दिया जाए। तो कल ही मैंने एक पत्र जो है सीएमओ साहब को और हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज उनको भी एक पत्र भेज करके इस बंदी की रीसैम्पलिंग टेस्ट कराने का हमने अनुरोध किया है। रीसैम्पलिंग रिपोर्ट आने के पश्चात ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, और जहां तक कुछ ऐसे बंदी जो कि इसके संपर्क में रहे हैं लगातार उसके आसपास उस बैरक में रहने वाले बंदी या उसके संपर्क में रहने वाले बंदी को उन सभी बंदियों को आइडेंटिफाई करके पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं अब संक्रमित कैदी के संपर्क में आने वाले 14 अन्य कैदियों को जेल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है, इन सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कारागार में क्षमता से अधिक बंदी रह रही हैं। इस समय सेंट्रल जेल में करीब 1950 कैदी रह रहे हैं। अब जब एक बंदी संक्रमित निकला है तो उसके साथ एक ही बैरक में रहने वाले अन्य बंदियों के भी संक्रमित होने की संभावना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।